हेलो, मैं दीपा रावल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आज हम लोग ये अध्ययन करने वाले हैं। 16 महाजनपदों में से किस तरीके से मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में निकल कर आया है, कौन कौन से वहाँ साम्राज्य रहे हैं, कौन कौन से वंश वहाँ पर रहे हैं और किस तरीके से उनका योगदान रहा है मगध को ऊंचाइयों तक पहुँचाने में, और आगे आके किस तरीके से वो एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभर कर आता है, तो वहाँ किस तरीके से चीज़ें स्थापित होती हैं हम लोग वो आज सबसे पहले देखते हैं। तो वहाँ सबसे पहला जो वंश स्थापित हुआ था हर्यक वंश, जिसका समय की बात करें तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश कौन सा स्थापित हुआ था, हर्यक वंश, टाइम पीरियड है उसका 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। मगध को उत्कर्ष तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वंश है तो वो है हर्यक वंश। इसका प्रथम जो शक्तिशाली राजा है वो है बिंबिसार। हर्यक वंश का संबंधित है बिंबिसार। बिंबिसार राजा प्रथम शक्तिशाली राजा है, उसका समय रहा है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार का समय रहा है सबसे पहले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ तो उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना शुरू करा। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनको उन्होंने मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिलाना शुरू करा, तो एक एक काल वाइज अलग अलग लोगों के द्वारा उसको बढ़ाया गया और किस तरीके से उसका क्षेत्र जो है वो विस्तार किया गया। क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि किस स्थान को किस काल के राजा के द्वारा उसको मिलाया गया। तो सबसे पहले अगर हम अंग की बात करते हैं, बिंबिसार की बात करते हैं, बिंबिसार राजा के द्वारा जो अंग है, अंग जनपद है, अंग को उसमें मिलाया गया था मगध साम्राज्य में, मगध में। और मगध की अगर हम बात करें प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज, जिसको राज गृह भी कहा जाता है। प्रारंभिक राजधानी मगध की गिरिव्रज किसके काल में, बिंबिसार के काल में। अगर बिंबिसार की स्थिति की बात करें तो मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षत्रिय वर्ण का कहा गया है, वहीं अगर हम जैन साहित्य में बात करें तो इनको श्रोणिक कहा गया है। एक और इनसे बिंबिसार से तथ्य निकल कर आता है वो है इनका राज्य वैद्य कौन थे, तो बिंबिसार के राज्य वैद्य थे जीवक। जीवक किसके राज्य वैद्य थे, बिंबिसार के। बिंबिसार के काल में कौन से राज्य वैद्य थे, जीवक। हर्यक वंश में कौन से वैद्य थे, जीवक। या जो जीवक हैं, जो राज्य वैद्य, वो किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर इनकी रानी की बात करें, इनकी पत्नी की बात करें, तो इनकी दो रानियां हैं, जिसमें से पहली जो पत्नी है वो कौशल देवी है, वो प्रसन्नजीत नामक राजा की बहन है। कौशल देवी किसकी पत्नी है, बिंबिसार की। लक्ष्मी राजकुमारी चेलन्ना दूसरी इनकी पत्नी है। लक्ष्मी की राजकुमारी थी चेलन्ना, जो कि बिंबिसार की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी की बात करी जाए तो कौशल देवी उनकी पहली पत्नी है। इस तरीके से अजातशत्रु जो इनके पुत्र थे, बिंबिसार के पुत्र थे, उनके द्वारा बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी और अजातशत्रु मगध के राजा बने। उनका टाइम पीरियड की बात करें 492 से 460 ईसा पूर्व तक इनका काल रहा है अजातशत्रु का। अजातशत्रु ने अंग को मिलाया था, किसने, बिंबिसार के द्वारा अंग को मिलाया गया था। वहीं अगर अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु के द्वारा काशी एवं वज्जी संघ को मिलाया गया था अपने मगध के क्षेत्र में। मगध के क्षेत्र में अंग को मिलाया था बिंबिसार के द्वारा, वहीं काशी और वज्जी संघ की बात अगर हम करते हैं तो उसको मिलाया था अजातशत्रु के द्वारा। वज्जी संघ को जब मिलाया गया था तो अजातशत्रु के एक मंत्री थे वस्कार, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वस्कार की। उन्होंने वज्जी संघ में फूट डलवा दी थी और बहुत आसानी से इसमें आपसी फूट के कारण इनके सामने बहुत अच्छा अवसर उत्पन्न हो गए, जिसके कारण से इन्होंने वज्जी संघ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब इन्होंने वज्जी संघ को अपने साम्राज्य में मिलाया था तो दो हथियार हैं जो उभर कर आए हैं, जिसको पूछा जा सकता है, वो हथियार है रथ मूसल एवं महाशिला कंटक। महाशिला कंटक एवं रथ मूसल, ये दो हथियार हैं अजात शत्रु से संबंधित, जिनको वज्जी संघ को जब मगध में मिलाया गया था उस समय इनका प्रयोग किया गया था। इसके अलावा राजगृह में इन्होंने एक स्तूप का निर्माण कराया था, बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्तूप का निर्माण करवाया था अजात शत्रु के द्वारा। अजात शत्रु के 8वें वर्ष में ही गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो थी वो भी किसके काल में हुई थी, अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इनके बाद इनके पुत्र आते उद्यन, उनके द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी गई थी और उद्यन राजा बन के बैठे मगध के।
उद्दिन जो है अजातशत्रु के बाद अगले राजा बनते हैं, और उनके द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, यानी कि हम कह सकते हैं गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर एक नवीन जो शहर है उसका निर्माण कराया गया उद्दिन के द्वारा। उसका नाम था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में चयन किया। अगर उद्दिन की बात करी जाए तो जहाँ अजातशत्रु और बिंबिसार हमें बौद्ध धर्म के अनुयायी दिखते हैं, वहीं अगर उद्दिन की बात करी जाए तो उद्दिन जैन धर्मावलंबी थे। अगर हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश के जहाँ प्रथम राजा बिंबिसार हैं, वहीं इनके अंतिम राजा नागदशक हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन है, तो नागदशक है, नागदशक को उनके अमात्य शिशु नाग के द्वारा मार दिया गया था और एक नए राजवंश की स्थापना करी गई, वो वंश कहलाता है शिशुनाग वंश। उसका टाइम पीरियड है 412 से 344 ईसा पूर्व। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश नामक एक नया वंश मगध में उभर कर आया। इसने अवंती एवं वत्स को, यानी कि शिशुनाग वंश के जो राजा थे शिशुनाग, उनके द्वारा अवंती एवं वत्स दो स्थान थे, उसको मगध में मिलाया गया। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से विस्तार किया गया, अंग को मिलाया गया, काशी एवं वज्जी संघ को मिलाया गया, यहाँ देखते हैं अवंती एवं वत्स को मिलाया गया। इस तरीके से अगर हम विस्तार की देखें तो बंगाल से लेकर और मालवा तक इसका क्षेत्र विस्तार होता जा रहा था मगध साम्राज्य का। और वज्जी जो संघ है उस पर नहीं, क्योंकि आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय पश्चात जो वज्जी संघ है वही मगध पर आक्रमण कर दे, इसको देखते हुए इन्होंने एक राजधानी बनाई, उसका नाम था वैशाली। अगर हम मगध की राजधानियों की बात करें तो सबसे पहले थी राजगृह, दूसरी थी आपकी पाटलिपुत्र, और तीसरी राजधानी थी वैशाली। बिंबिसार के समय से लेकर अजातशत्रु के समय तक राजगृह, पाटलिपुत्र, उद्दिन के समय में शिशुनाग वंश के बारे में बात करें तो शिशुनाग के समय में वैशाली राजधानी रही। इसके बाद जो अगले शासक हुए हैं यहाँ के, वो हैं कालाशोक या काकवण, किसी भी नाम से इनको जान सकते हैं। इन्होंने पुनः वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। काकवण या कालाशोक के समय में जो वैशाली जो राजधानी थी उसके स्थान पर पुनः इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसमें जो बौद्ध धर्म था वो जो संप्रदायों में बटा था, इसका एक है स्थविर, दूसरा है महासंगिक। ये दोनों हमने संप्रदाय का जो बटा था वो हमने बौद्ध धर्म में देखा था। अगर हम शिशुनाग वंश के अंतिम राजा की बात करें तो जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा है वो नंदी वर्धन है, जिसे महानंदिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के द्वारा किसको अपने क्षेत्र में विस्तार किया गया था, तो अवंती एवं वत्स को। वज्जी संघ पर नियंत्रण के लिए किसको अपनी राजधानी बनाया गया, वैशाली को, या वैशाली को राजधानी सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, शिशुनाग के द्वारा। कालाशोक के द्वारा पुनः किस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। इस तरीके से राजधानी से संबंधित क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हम लोगों ने कर लिए हैं। अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था। अगर प्रथम राजा की बात करी जाए शिशुनाग वंश के, तो शिशुनाग प्रथम राजा थे जिन्होंने नागदशक की हत्या करी थी। दूसरे राजा की अगर बात करी जाए तो वो थे नंदीवर्धन, अंतिम राजा थे। इसके अलावा जो अंतिम वंश यहाँ पर रहा है मगध में वो है नंदवंश। क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़े जो वंश है मौर्य वंश, उसकी स्थापना हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो छोटे वंश यहाँ पर मगध में स्थापित करने में जो छोटे राजवंश थे उसमें से एक महत्वपूर्ण वंश है, उसका नाम है नंदवंश। इसके जो राजा थे वो महापद्मानंद थे। महापद्मानंद नंदवंश के महत्वपूर्ण राजा थे। इनको सर्वक्षत्रांत कहा जाता है। सर्वक्षत्रांतक का मतलब है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, यानी कि सर्वक्षत्रांतक किसको कहा जाता है, महापद्मानंद को, क्षत्रियों का नाश करने वाला। किस वंश से संबंधित थे, तो नंद वंश से संबंधित थे। इन्होंने जिस तरीके से अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार करा था उस आधार पर इन्होंने एकराट जैसी उपाधियां धारण करी थी। महापद्मानंद के 8 पुत्रों में जो धनानंद थे, 8 पुत्रों में घनानंद इनके एक पुत्र थे जो कि सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर उस समय जो यूनान का एक योद्धा था जो कि भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। तो सिकंदर का समकालीन नंद वंश का राजा कौन सा है, वो है घनानंद।
घनानंद इस काल का अंतिम जो ऐसा राजा था जो कि सिकंदर का समकालीन था। घनानंद का जो समय है अगर बात करी जाए तो 325 ईसा पूर्व तक इसका समय निकल कर आता है। घनानंद का सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था घनानंद के समय में। इसके बाद 322 ईसा पूर्व के समय में हम देखते हैं कि इसमें जो मगध साम्राज्य है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उनकी चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करी गई और एक नवीन वंश की स्थापना की गई जिसे हम मौर्य वंश के रूप में जानते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े साम्राज्य को दिखाता है, मौर्य वंश। इस तरीके से नंद वंश अंतिम सबसे पहला वंश, हर्यक वंश मौर्य वंश से पहले मगध पर दिखाई देता है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद आता है नंद वंश और उसके बाद आएगा आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस तरीके से ये जो छोटे छोटे राजवंश मगध में रहे हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इतने एरिया में से कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।